बोले सीतावैया की जय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। सिया राम में जान सबे के करत हवाओं पग वंदन, राम कथा में आके विराजो हे अंजन के नंदन। लीत सदा सुधि दिल के सहज दया के धाम, जननी जनक सब जीव के प्रभु श्री सीताराम। अपने अपने घरन की सब काहू को पी, तुम्हें पीर सब घरन की राम जी। सी सुमिरत श्री राम, जुगल नाम सब जीव जपे ले हो परम विश्राम। तुलसीदास जी के पद कमल बारन बार मना, गुन गावो सिया राम के मत हो सहा। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। लला जी विराज रहो, महावीर विराज रहो, हम राम कथा गुन गावे, लला जी विराज रहो, राम कथा के तुम हो रसिया, राम लखन सी तामन वसिया, हम हर्ष के बनी जावे, लला जी विराज रहो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोली आदि शक्ति माँ भवानी की जय। राम कथा की सुनैया क्षीरनीर विवेकी संत समाज, करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी माताएं बहने, ध्रुव प्रहलाद के समान छोटे छोटे बाल गोपाल, अथक प्रयास कर ये मानस मंच के सजिया श्रद्धे आयोजक समिति, ये धर्म मंच रूपी रथ के गति प्रदान करिया आदरणीय संचालक महोदय एवं ध्वनि विस्तार के माध्यम से जहाँ तक आवाज जात हो चराचर जीवात्मा, अखल ब्रह्मांड के नायक परम पिता दीन दयाल श्री राघवेंद्र सरकार के चरणारविंद में, श्री सीताराम बालिका मानस परिवार ग्राम भोथली कुरु जिला धमतरी के छोटे छोटे लड़का के प्रणाम सादर निवेदित है। और एक बात मैं पहली बता देना चाहता हूँ कि आज हमार श्री सीताराम बालिका मानस परिवार आए हैं, लेकिन हमार मानस परिवार के गायिका नहीं आए हैं। ये मानस परिवार के गायिका मोर बड़े मुस्कान मानस परिवार ला पहचान मिले है मुस्कान और कामना दोनों के नाम से। मुस्कान साहू गायिका आज नहीं आ पाए हैं, ओकर पेपर अगस्त में रही से पैरामेडिकल साइंस के, पर ओकर पेपर हो गया 29 तारीख से और कल 26 तारीख को का ट्रेन हो गया भोपाल जाएगी, तो आज भोपाल नमो में है, आवाजों कर बिना ही आना पड़े है। ये पहली हमारी प्रस्तुति है जो दीदी के बिना दे।
अब मिले कथा प्रसंग में लेके चलो मैं आप सब ला। ये रामचरितमानस जी का रचना बाबा तुलसीदास जी महाराज। अब बाबा तुलसीदास जी महाराज ये रामचरितमानस के रचना ले करे है ना दीदी, सात खंड कांड लिखी है और सातों में से मोर भाग्य में आए हैं ये दूसरा अयोध्या कांड। ये अयोध्या कांड जेकर 16 क्रमांक शव जहां बाबा तुलसीदास जी महाराज दर्शाते हैं, सुनी के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे विह से करुणा एन चितई जान के लखन। केवट जी महाराज जिस कोने एक प्रेमी है, अब एक प्रेमी भक्त और भगवान के बीच के वार्तालाप जेकर संवाद आज मोर भाग्य। और केवट जी महाराज के पास आज प्रभु राम जी पहुंचे हैं वनवास काल के दिन। और वनवास जाए के प्रभु के कारण कार्य तो कही थे कि मात पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था, मातृभूमि की रक्षा करने प्रभु को वन में जाना था। प्रभु मातृभूमि की रक्षा के लिए आज ये वनवास के दिन में है। और वनवास के दिन में जब आगे बढ़ते हैं ना तो गंगा नदी ला पार करे वर ये केवट जी के तीर में आए हैं। अब केवट जी के तीर में आए हैं तो कर बीच का गोठ बात होते तो एक सुंदर से भजन के बाद जाने के प्रयास करथन। बोल श्यावर रामचंद्र की।